स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 एक्सरसाइज 9.3 में देखिए क्या दिया है, मल्टीप्लिकेशन ही दिया है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसको क्या करना मल्टीप्लाई करना। फर्स्ट नंबर क्या दिया, 4p और q प्लस r दिया है, ये दिया क्वेश्चन, इसका क्या करना हमको मल्टीप्लाई करना। देखिए कैसे करना है, ये आपका क्वेश्चन दिया है 4p q प्लस r दिया है, इसका देखिए 4p का मल्टीप्लाई किसके साथ, q के साथ करेंगे एक बार, और 4p का मल्टीप्लाई r के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 4pq आ जाएगा, और 4p का मल्टीप्लाई r से करें तो 4p प्लस इंटू r आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह तीसरा दिया, देखिए क्या दिया है, a प्लस बी ब्रैकेट लगा है, मैंने लगा दिया ब्रैकेट, आप लोगों को पहचानने में आए टर्म, और क्या लिखा है 7a² b² लिखा है, तो 7a² b² इंटू a का मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ और a b का भी मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, यानी दोनों के साथ इसके साथ होगा, तो आपका ये आ जाएगा आंसर। ओके, तो इस तरह सॉल्व कर लेना आप लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, कंप्लीट द टेबल, इस टेबल को कंप्लीट करना, फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया या सेकंड दिया, देख a का मल्टीप्लाई इससे होगा बी से होगा, तो प्रोडक्ट क्या जाएगा ए बी, और ए का मल्टीप्लाई सी से होगा तो ए सी आ जाएगा, ए का मल्टीप्लाई डी से होगा तो क्या आ जाएगा आपका ए डी आ जाएगा, तो ये आपका लिख देना है। इसी तरह इसमें करना है तो क्या दिया है, यक्स का मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या हो जाएगा आपका 5x² y आ जाएगा। फिर क्या आएगा यहाँ पास, देखिए ये प्लस 5y x आ जाएगा, और माइनस क्या आ जाएगा 15, क्या आएगा आपका सॉरी 25x y, तो इस तरह आपको मल्टीप्लाई करके इसका पी का, इसकी पी का 6p करेंगे तो क्या आएगा 6p³, और क्या आ जाएगा यहाँ पास माइनस 7p², और यहाँ क्या आएगा आपका 5 प्लस 5p, तो इस तरह मल्टीप्लाई करके आप लोगों को लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया फाइंड द प्रोडक्ट, इनका देखिए प्रोडक्ट निकालना सभी नंबरों का, तो देखिए कैसे करना है, ये लिखा आपका क्वेश्चन a² × 2a² × 4a² 26, ये क्वेश्चन दिया आपका 3 का फर्स्ट, तो देखिए a ये नंबर 2 है और ये 4 है इसका कोफिशिएंट, इसका 1 है तो 1 × 2 × 4 कर दिया, और a की पावर ये वाला फार्मूला आपका लगा देंगे a² m × a² n, तो क्या होता है कि पावर m प्लस n होता है, तो यहाँ से आपका देखिए a की पावर बेस सेम है सभी का तो पावर प्लस हो जाएगी, 22 + 2 = 24, और ये 26 किया तो 50 आया, तो 24 जाए यहाँ क्या आएगा सॉरी 8 आएगा, क्या आएगा 8 आएगा यहाँ पास, तो 8 हो जाएगा, 24 जाए 8 ए की पावर 50 आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए इसी में और दिया है, सेकंड नंबर दिया जिसे क्या लिखा है 2/3xy × −9/10x² y², ये लिखा आपका, तो 2/3 कोफिशियंट जो दिए इनको अलग कर लिया, 2/3 × −9/10 है, तो इनका देखिए 2/3 × −9/10, तो माइनस ये आ गया आपका कैंसिल हो गया 3 और ये 5 आ गया, और x की पावर देखिए यहाँ 1 दिया है, ये x पावर 2 है तो x पावर 3 हो जाएगा, y पावर देखिए 1 है y पावर 2 तो y पावर 3 हो जाएगा। इस तरह सेकंड इसमें फोर्थ नंबर देखिए इस तरह आपको सॉल्व कर लेना है, x की पावर बेस सेम है पावर सभी प्लस हो जाएगी, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में दिया सिंप्लीफाई करना है इसको, और वैल्यू निकालना है किसकी, x = 3 की और x = 1/2 की वैल्यू निकालना है, तो देखिए फर्स्ट नंबर कैसे दिया है आपका, ये दिया है 3x और 4x - 5 और इंटू लगा प्लस 3 लिखा है, तो इसको जब सॉल्व किया तो ये आ गया आपका क्या आ गया, सॉल्व करने पर ये 12x² - 15x + 3 हो गया। एक्स इक्वल क्या रखना है एक बार, 3 रखना है, एक्स के प्लेस पर 3 रख दीजिए, ये एक्स के दो प्लेस हैं यहाँ पास 3 रख पुट कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर होगा यहाँ 3 आ गया, तो 12 × 9 - 15 + 3 हो गया, तो ये आपका 66 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ देखिए एक्स इक्वल क्या रखना है 1/2 रखना है, तो 12x² - 15x + 3 हो जाएगा, एक्स की जगह पर वो जब 2 रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1/2 रखा, सॉल्व करने पर -3/2 आ गया,
तो ये क्वेश्चन नंबर थ्री का फर्स्ट फोर्थ का फर्स्ट हो जाएगा। अब फोर्थ का भी नंबर भी इसी तरह करना है तो आप लोग कर लेंगे। अब फिफ्थ नंबर दिया, क्या दिया है, ऐड करना है, ये क्वेश्चन दिया है, इसको क्या करना, हमको ऐड करना है पी पी माइनस क्यू 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 माइनस आर और आर लिखा आर माइनस पी लिखा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, इस प्लस करना है तो प्लस का साइन करके इसका मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए, पी का मल्टीप्लाई इसके साथ और पी का मल्टीप्लाई इसके साथ, क्यू का इसके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, आर का यहाँ होगा और यहाँ भी होगा, और सभी प्लस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, तो सबट्रैक्ट करने में देखिए ये 3a का इसके साथ मल्टीप्लाई और 3a का इसके b के साथ और 3a का c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह इनका मल्टीप्लाई करके और क्या कर देना आप लोगों को, सबट्रैक्ट कर देना, तो सबट्रैक्ट करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा आपका। तो इस तरह आपको 9.3 कंप्लीट कर लेना। ओके, तो आपका चैप्टर 9.3 कंप्लीट होता है यहाँ से। ओके, थैंक यू।